सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है सुरेश ब्लॉग। मेरे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन भरपूर मिलता रहे। सो गाइस, मैं आपके लिए फिर से हाजिर लेके न्यू स्पोर्ट्स बाइक, जिससे आपको देख के बहुत पसंद आएगा, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपने थल में तो तक देखा होगा कि जो बाइक है, आप भी देखना चाहते हैं कि इस बाइक की कंपनी कौन सी है, तो ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। वो गाड़ी है TVS राइडर स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि TVS राइडर बाइक आपको कैसी लगी, ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो चलो गाइस, अब मैं करता हूँ इस चैनल को स्टार्ट। तो गाइस, फाइनली एक्चुअली क्या है, गाड़ी के मालिक तो घर पे है नहीं, तो बाहर गए हैं, तो ये उनका लड़का है, हम उससे नाम पूछेंगे। बेटा ने नंबर दो। मेरा नाम प्रेमपुरी वगैरह है। अच्छा, और आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? मैं 8 स्टैंडर्ड में आता हूं। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं गुजरात से। गुजरात से, तो आप बेटा बात बताओ, ये जो गाड़ी है TVS राइडर की, ये किसने खरीदी है बेटा? मेरे पापा ने खरीदी। अच्छा, तो आपके पापा ने गाड़ी खरीदी थी, मैंने तो ख्याल आया था कि स्पोर्ट बाइक लेनी है। देखो, तब ऐसा टाइम था कि एक नई गाड़ी लॉन्च हुई और उसका नाम TVS राइड, बराबर। तब उन्होंने जब पहली बार गाड़ी देखी तो उसका लुक पसंद आया, उसके पावर पर टेस्ट ड्राइव भी ली थी, उसकी पावर पसंद आई, ऐसा सब कुछ पसंद आया। उसके बाद हमने फाइनल किया कि हम TVS राइडर लेंगे। बराबर। बेटा, तुम्हें गाड़ियों की कितनी नॉलेज है तुम्हें? गाड़ियों की तो देखो, ऐसे तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन मैं जब से यूट्यूब देखने लगा हूँ ना, तब से मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। खास करके आपकी वीडियो देखता हूँ ना, बहुत मेरे को अच्छा लगता है। भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर है, क्योंकि ये भी मेरे वीडियोस देखते हैं। हमने इससे बात की थी कि हम बहुत जल्द तुम्हारी गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो आज फाइनली इसके हम गाड़ी के ऊपर वीडियो बना भी रहे हैं। और हमारे देश की जनता भी ये भी देखना चाहते हैं कि हम भी ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है। ये जनता चाहती है कि ऐसा गाड़ी लें। अरे 100%। बराबर। बेटा, एक बात बताओ, पहले के ज़माने की जब होंडा हीरो स्प्लेंडर जो गाड़ी हुआ करती थी, तो उसमें क्या था, पहले किक वाली गाड़ी हुआ करती थी, फिर उसमें क्या स्टार्टर नहीं हुआ करता था, फिर उसमें दो गियर की जोड़ी हुआ करती थी। तो इस गाड़ी में ऐसे क्या क्या चीज़ें किया है जिसमें स्टार्टर भी दिया है और केक नहीं दिया है, फिर उसमें खाली सिंगल का गियर दिया है, ऐसे क्यों? देखो, आज जब वो टाइम था तब 2000, आज 2024। बराबर। तो वैसे क्या होता है, कपड़े में हम फैशन कैसे करते हैं? बराबर। गाड़ी में भी अच्छा सिंगल गियर, कैमरा में दिखाओ, सिंगल गियर दिखाओ एक बार, देखो कहाँ है सिंगल गियर, दिखाओ। ये देखो, हाँ ये सिंगल गियर है। वो गाड़ी में क्या होता है, इधर पीछे भी गियर आता है। अच्छा, मतलब वो हम क्या करते थे, उसमें इधर दबाते थे तो ये आगे से ऊपर हो जाता था। अच्छा, मतलब ये आगे से दबाते हैं, फिर उसके पीछे से ऐसा प्रेस करते हैं। ऐसा करना पड़ता है, आप देखो। हाँ बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो जमाने के साथ साथ गाड़ियों की गियर भी चेंज होने लगे। बराबर। बेटा, ये जो पीछे दिख रहा है, इसमें क्या लगता है, ये वाला? ये इसमें चाबी लग के ये खुलता है पूरा। अच्छा, तो खोल के बताओगे? इसमें क्या रखते सामान में? इसमें फर्स्ट एड किट रहता है। बराबर। बाद में ये थोड़े से पेचकस वगैरह रहते हैं। अच्छा, और ये बैकलाइट का सामान।
अच्छा बेटा, इस गाड़ी की कितने साल की वारंटी है? गाड़ी की 5 साल की। 5 साल की वारंटी। तो बेटा उसको बंद कर दो। हाँ आराम से बंद कर दो। हाँ तो बेटे बार बोले जिसमें स्टार्टर दिया है ये वाला, तो इससे गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें किक कहाँ गया, इसमें किक क्यों नहीं है? वो किक आजकल इसलिए नहीं देती है क्योंकि आजकल जमाना सेल्फ कार। बराबर। लोगों को थोड़ा सा भी वो किक लगाने का होता है ना, वो मतलब लोगों को कष्ट सहना ही नहीं है। बराबर। आजकल के लोग सिर्फ इसमें वो क्या आता है, किक लगाते हैं ना। हाँ? पहले के जमाने में जब किक लगाते थे पैर में लग जाता था। बराबर। उसके हिसाब से अभी किक नहीं दे रहे, डायरेक्ट सेल्फ स्टार्ट दे रहे। अच्छा बड़े पकड़ो इससे। हाँ बेटा आपका नाम क्या बताया? हाँ ये पेरी क्लियर भाई बहुत अच्छे इंसान है। और अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो अभी? मैं 8th स्टैंडर्ड में। अच्छा तुम्हें बचपन से गाड़ी को शौक था? बचपन। अच्छा तो तुम्हारी मनपसंद पहली बाइक कौन सी है? मेरी मनपसंद पहली बाइक थी हीरो होंडा। अच्छा सीटी 100 पहले आया। अच्छा एक बार बताओ बेटा, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो लॉन्च होने से पहले इसमें कुछ टेस्टिंग किया था, इसमें कुछ चेंजेस किया था गाड़ी मार्केट पर लाने से पहले, कुछ टेस्ट में पास किया था या नहीं किया था? क्या क्या चेंजेस गाड़ी में इसमें? देखो पहले तो ये नहीं आता। बराबर। जो इधर से हवा देने वाला है ना। हाँ? ये पहले नहीं आने वाला था, बाद में इसको भी। बराबर। अच्छा ये गाड़ी कितनी स्पीड की कर सकती है? गाड़ी 130-140 तक चलती है। अच्छा क्या ये गाड़ी ऑफ रोडिंग भी चलने के लायक है? आराम से। तो गाड़ी पहाड़ी में जाने के लिए या फिर किसी बरसात पानी की चीज़ें, पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो ये गाड़ी आराम से निकल पाएगी इससे? अरे ऐसा मछली जैसे पानी में निकलती है ना, वैसे निकल जाएगी। हाँ मतलब चक्की से निकलेगी क्या? आराम से निकलेगी मक्खन की तरह गाड़ी में। मतलब आप कितने मिल रहे हो गाड़ी को, ऐसा लगे लोड ही नहीं। तुम्हें चला कभी गाड़ी ऐसे ही? अरे चलाइए। अच्छा तुमने एक बार चलाई? अभी मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरा लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। बराबर है, अभी तुम छोटे हो। तुम्हारी एज कितनी है अभी? अभी मेरी एज है 14। 14 ईयर्स। अच्छा मतलब तुम्हारे पापा के ख्याल आया था ना कि ऐसी खाली स्पोर्ट्स बाइक लिए और कुछ गाड़ी नहीं लेनी? नहीं, मेरे को लगी थी स्पोर्ट्स बाइक और तभी यही मार्केट में चल रही थी। बराबर। बाद में ले। अच्छा जब दुकान से जब सामान लेते हो तो सामान कहाँ एडजस्ट कर लेते गाड़ी में? गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो सामान रखने का नहीं है। अच्छा सामान रखने का, तो पहले इधर आया करता था वो भी नहीं है। अच्छा वो क्यों हुआ करता था? तुमने पहले चलाई ऐसी गाड़ी? मैंने ऐसी गाड़ी पहले। अच्छा कभी स्पोर्ट्स बाइक चलाई है? मैंने एसपी चलाया ना। अच्छा दिल बैठ गया। तो भाई जैसे कि आपने देखा गाड़ी एकदम मस्त अच्छी जानकारी दे दमदार की, तो बेटा तुम्हें इसके और क्या क्या जानकारी बाइक के बारे में? और इसमें आपको दो मोड मिलता है, एक इको मोड आता है, एक पावर। कैमरे पास से दिखाओ क्या कि पता चल जाए। ठीक है ये 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 ये, ये स्टार्टर बटन है। हाँ ये स्टार्ट बटन है, सेल्फ स्टार्ट। और ये इको है, इको है, इको मोड। और ये पावर मोड। पावर मोड। अच्छा और इसमें क्या है? ये है इंडिकेटर का ऑप्शन। हाँ वो इंडिकेटर का ऑप्शन है, ये हॉर्न है। अच्छा ये लाइट का है। लाइट का है, लाइट अपर डिपर और इधर पास का है। अच्छा बट इस पर चाबी डाल के देखो स्क्रीन में क्या दिखता है इस पर, ताकि आप ऑडियंस भी जानना चाहती है। एक सी भी है मोबाइल चार्जिंग। मोबाइल चार्जिंग होता है इससे? हाँ बराबर। और गाड़ी चल चुकी है 21,058। अच्छा इसमें गाड़ी न्यूट्रल पे तो पता कैसे चलेगा? इधर एन का साइन आ जाता है। एन का साइन आता है? हाँ। और अगर गियर चेंज करेगा एन का साइन हट जाएगा ऐसा? हाँ फर्स्ट गियर ये देखो, ये सेकंड गियर। अच्छा थर्ड गियर। बराबर ऐसे। अच्छा अगर जब इंजन इसमें क्लच दबा के स्टार्ट करना पड़े, बिना क्लच से स्टार्ट हो जाता है? नहीं आप न्यूट्रल में रख लो, जब गाड़ी न्यूट्रल में होती है तब स्टार्ट हो जाती है, और गियर में होती है तब स्टार्ट नहीं होती। अच्छा क्लच दबा के स्टार्ट करके चेक करते हैं? अभी तो गियर में है। अच्छा गियर में नहीं है, फर्स्ट गियर में ले लो। न्यूट्रल में है कि न्यूट्रल में ले लो? सेकंड गियर में। अच्छा स्टार्ट करें? हाँ ओके एक बार दबा के छोड़ दो आराम से। वाह गाइस इसकी साउंड सुनो एक बार, रेस दो सॉरी दो ऐसे इन फ्रंट जोर से। बाप रे बहुत ही दूसरी साउंड आती है। अच्छा बंद कर दो, चाबी बंद कर दो। वाह बहुत ही अच्छा बाइक है। सो गाइस आपके खातिर के लिए मैंने बाइक सुपर बाइक का वीडियो तो लेकर आ गया है, तो हम इस बाइक को चला के भी दिखाएंगे कि इस बाइक के माइलेज क्या है और कैसी पावर चलती है, तो ये भी हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। ठीक है तो अभी क्या है, अभी मैं बैठूंगा बाइक पे, ये छोटा बैठेगा इधर, और अभी दूसरा कैमरा पीछे सामने खड़े के दिखाएंगे कैसे चलाते। ठीक है।
लीवर आपको तो क्या है? सो गाइस आई होप आपको इस टीवीएस राइडर का वीडियो देख के आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो के लिए। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी दो गाड़ी का वीडियो बना रखा है, जैसे कि मैंने BMW बाइक का भी वीडियो बनाया है और इलेक्ट्रिक स्कूटी वीडियो कंपनी का, ठीक है? तो जाके देख लीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? तो आप अपने ध्यान रखिएगा अपने परिवारों का, दोस्तों का एंड मित्रों का, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर।